लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बेसिकली हमने क्या अप्रोच यूज की थी कि हम बेसिकली हर डाइट टाइप के लिए अलग अलग प्रिडिक्शन लाइन लगा रहे थे, ठीक हो गया। लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि हम करेंगे किस तरह। पहले हमने सिर्फ इसका फीचर पाइपलाइन का आपको कॉन्सेप्ट दिया, जो वो किस तरीके से डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा को अलग अलग कर रहा है, ठीक हो गया। और हमने सिर्फ ये बताया कि हर डाइट टाइप के लिए अलग अलग लाइन वो लगा रहे हैं प्रिडिक्शन की। अब हमने इस वीडियो में ये देखना है कि हर लाइन को ये हमने ये जो प्रोसेस फॉलो की ये हुआ किस तरह। ये बेसिकली अगर आप देखें जो इस हमने यहाँ पर एक यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल पाइपलाइन पाइप नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर की थी, वो हमारे पास प्लॉट मॉडल के जब हमने इसको फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट दिया तो तब हमारे पास ये बेसिकली प्लॉट है। अब हम इस फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे कि इस फंक्शन में हुआ क्या है एक्चुअली। यहाँ पर आप देखें इस फंक्शन को, थोड़ा सा इजी है, इतना टेक्निकल नहीं है, ठीक हो गया। मैंने वापस दोबारा से डीएफ को लोड कर दिया। अच्छा, सबसे पहले मैंने काम क्या किया है, जो मॉडल, अब इस मॉडल में क्या पड़ा हुआ है ये सोचने की बात है। इस मॉडल में जो हमारे पास फाइनल पाइपलाइन यहाँ पे जो मैंने सेंड की थी ये वाली, ये इस मॉडल नाम के वेरिएबल में अब आ गई है। बात वही है, सिर्फ नेम चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा है मॉडल, ठीक हो गया। ये वही पाइपलाइन इधर अब आ गई है। अब इस मॉडल के साथ हमने क्या किया, हमने इसमें फिट किया है डी एफ डाइट टाइम और डी एफ वेट। हमने थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच यूज किया। पहले हम क्या करते थे कि इधर इस तरह एक्स में हम क्या करते थे, यहाँ पे इधर एक्स लिख लेते थे और एक्स में हम कहते थे कि जी ये हम लिख लेते थे, ऐसे कर लेते थे, ठीक है। हम ऐसे एक्स डिफाइन कर लेते थे। इसी तरह ये डी एफ वेट को, क्योंकि वाई हमारा आउटपुट है ना, हम ये देख रहे हैं कि वाइट कितना बड़ा है, और फिर वाई में हम वेट डाल के और इधर एक्स वाई, इन दोनों में डायरेक्ट नेम्स कॉलम्स के नेम्स के बजाय डायरेक्ट हम क्या करते थे, एक्स और वाई देते। लेकिन यहाँ पर हमने इस तरह नहीं किया, हमने क्या किया, डायरेक्ट कॉलम्स के जो नेम्स हैं इनपुट और आउटपुट वो हमने डायरेक्टली इस मॉडल में फिट कर दिए, ठीक हो गया। हमारे पास क्या आ गया, डी एफ वेट, डी एफ टाइम और डाइट और डी एफ वेट, ठीक है। ये हमारा एक्स और वाई आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, मैट्रिक अंडरस्कोर डेटा फ्रेम, ठीक है, इज इक्वल टू डी एफ टाइम। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास मॉडल के वेरिएबल में फिट हो गई है ये सब चीजें, ठीक है। अब ये प्रिडिक्शन के लिए रेडी है, लेकिन पहले हमने इसमें और कुछ काम करना है। हम चाहते हैं कि बेसिकली अब हमारे पास जो हमारा डेटा फ्रेम है जिसमें डाइट टाइम और वेट ये तीन चीजें, हम मैंने क्या किया, मैट्रिक अंडरस्कोर डी एफ में लिखा है कि इसमें डालो डी एफ इज इक्वल डी एफ में डाइट टाइम और वेट, ये तीन कॉलम्स इकट्ठे इसमें रखो। और अब एक और फंक्शन है डॉट असाइन का फंक्शन, ठीक है। डॉट असाइन का फंक्शन का क्या काम होता है, डॉट असाइन के फंक्शन का बिल्कुल बेसिक काम होता है, इसका काम ये होता है अगर आपके पास सपोज पांच कॉलम है और आप इसमें कोई न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हैं छठा, तो आप डेटा फ्रेम में डॉट असाइन के फंक्शन से वो छठा कॉलम इजीली ऐड कर सकते हैं। बेसिकली सीरीज कहते हैं कॉलम, डेटा फ्रेम का जो कॉलम होता है उसको सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो हम इसमें इजीली न्यू सीरीज ऐड कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो डॉट असाइन में मैंने अब ऐड क्या किया, ये देखने वाली बात है। मैंने एक छोटा सा लेमडा फंक्शन यूज किया, ठीक है। अब लेमडा फंक्शन ये आप लोगों को आना चाहिए स्टेज पे। तो लेमडा फंक्शन में क्या हो रहा है, लेमडा फंक्शन में मैंने एक डीएफ दिया और मैंने क्या, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट कर दो डीएफ डाइट और टाइम, और इसको मैंने नाम दिया प्रिडिक्शन का। अब लेमडा फंक्शन में होता क्या, देखें लेमडा फंक्शन में एक हमने ये डीएफ दिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा डेटा है, और जो कुछ कॉलम के बाद जो कुछ कॉलम की राइट हैंड साइड पर होता है वो इसका रिटर्न होता है। मतलब जिस तरह फंक्शन में हम डिफाइन करते हैं और कुछ नीचे रिटर्न करके देते हैं ना, आप समझे कि जो लेमडा फंक्शन है इसका जो रिटर्न है वो इस कॉलम के बाद जो भी कुछ होता है वो इसका रिटर्न होता है, ठीक है। अब इस ये हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, अब इस पे गौर करें, ये हमें रिटर्न करके दे रहा है मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करो किसको, डेट एंड टाइम को। हमने देखिए अपने मॉडल को ट्रेन इसी पर कराया ना, डेट एंड टाइम को इनपुट दिया और ये आउटपुट दिया। तो जिस वक्त हम प्रिडिक्शन करते हैं तो आउटपुट तो नहीं देते अपने डेटा को, इनपुट देते। तो हमने क्या 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 मान ले, अब यानी कि जो भी प्रिडिक्शन का रिजल्ट आएगा वो इस लैम्डा फंक्शन का क्या है, आउटपुट है। और इस लैम्डा फंक्शन का आउटपुट किस वेरिएबल में सेव हो रहा है, ये पी आर ई डी, प्रिडिक्शन की शॉर्ट फॉर्म है पी आर ई डी, प्रिडिक्शन।
ये प्रिडिक्शन के नाम के वेरिएबल में लेमडा फंक्शन का आउटपुट शो हो रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, लेमडा फंक्शन क्या है, बस ये लेमडा लिखा है, ठीक है। फिर मैंने डेटा फ्रेम दिया है कि ये डेटा फ्रेम है, ये लो ये वाला डेटा, इस पर हम काम करेंगे। और इस लेमडा स्टेटमेंट की रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, जो कुछ कॉलन के बाद होता है। कॉलन के बाद में मैंने क्या किया, जो कुछ प्रिडिक्शन है वो रिटर्न कर रहा है, और उसको रिटर्न कर रहा है किस नाम के वेरिएबल में सेव हो रहा है, PRED प्रिडिक्शन। और फिर मैंने इसको कहा है कि इसको असाइन कर दो इस वाले में मैट्रिक डीएफ में। तो मैट्रिक डीएफ में फिर क्या आ जाएगा, सिंपल है। देखें आप जरा सोचें, इस पे वीडियो पॉज करें, सोचें, और क्या चौथा कॉलम हमारे पास क्या होगा, एक डाइट होगा, एक टाइम होगा, एक वेट होगा, ठीक है। तो चौथा कॉलम क्या आना चाहिए, सिंपली PRED प्रिडिक्शन। क्यों, क्योंकि हमने इसको असाइन कर दिया इसमें, ठीक है। अब यहाँ तक, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोगों को एट द इंस्टेंस वो नजर आ जाए कि क्या हमारे पास ऐड हुए, तो मैंने इसको सिंपली प्रिंट कर दिया, और साथ ही साथ इसकी शेप भी चेक करने के लिए मैंने ये दो लाइनें इधर लिखी है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ये ना भी लिखे तो काम ठीक है, लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इस मैट्रिक अंडरस्कोर डीएफ में हो क्या रहा है, ठीक हो गया। अब हम क्या करें, एक और वेरिएबल बना रहे हैं मैट्रिक के नाम से, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, मीन एब्सोल्यूट एरर डाला है किसका, बल्कि पहले मैं आपको यहाँ पे इसका आउटपुट शो कर देता हूँ कि ये इसका आउटपुट क्या है, वो इधर होगा, ठीक हो गया। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास इस फंक्शन में कौन सी प्रिंट स्टेटमेंट है, ये वाली है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर क्या आ गया, डाइट, टाइम, वेट, और साथ में प्रिडिक्शंस, ठीक है। प्रिडिक्शन का कॉलम असाइन हो गया इसको। अब यहाँ पर आप देखिए, फिर मैंने कहा कि मुझे शेप भी बताओ भाई, इसकी शेप क्या है, हम शेप भी चेक कर लेते हैं। शेप देखें सिंपली आ गई है कि 578 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, ठीक हो गया, बल्कि यहाँ पर आ रही है शेप, ओके, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ तक हमें अपना फंक्शन समझ आ गया है, दैट्स ग्रेट। अब हमने क्या करना है, आगे हमने मैट्रिक में, हम हमेशा क्या चेक करते हैं मैट्रिसेस में, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस में, कि एक्चुअल और प्रिडिक्टेड में क्या फर्क है। मैंने भी यहाँ पर क्या किया, डीएफ वेट एक्चुअल वेट थे, और जो मैट्रिक अंडरस्कोर डीएफ प्रिडिक्शन थी हमारे पास प्रिडिक्टेड थे। तो मैंने क्या किया, ये दोनों दे दिए एक्स, मतलब यहाँ पर ये मैंने दोनों दे दिए, और इसको मैंने कहा कि भाई मुझे बताओ कि इन दोनों के दरमियान मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, ये मैट्रिक की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ तक हमें लाइन 8 तक हमें हमारा फंक्शन क्लियर हो गया। अब आते हैं PLT.figure, ये तो सिंपल मैंने फिगर बनाया है। अब आप बताएं हमारे पास डाइट की डेटा में कितनी टाइप्स थी, आप कमेंट में लिखें बताएं कितनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास, बल्कि कमेंट में ना लिखें, ठीक है, नहीं लिखना। आपने क्या करना है, आपने अगर लिख लिया तो डिलीट कर दें, आपने मुझे टेलीग्राम पे सेंड करना है, ठीक है, के 1 2 3 4 यहाँ पर है, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, अच्छा थोड़ा सा गैस करें, 1 2 3 4 आया क्यों है। 1 2 3 4 इसलिए आया है कि हमारे पास डाइट की आप टाइप्स कितनी थी, डाइट टाइप 1, डाइट टाइप 2, डाइट टाइप 3 एंड डाइट टाइप 4, 4 थी ना। तो हमने क्या किया कि हर एक के लिए अलग अलग, अब ये इस लूप को हम चलाते हैं ना इधर ही, मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि चल किस तरह है, फिर आपको बात समझिए। मैंने कहा फॉर आई एन, सबसे पहले कौन सा नंबर चलेगा फॉर लूप में, जो सबसे पहले होगा, ठीक है। तो आई में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, 1। अब मैंने PLTR का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने कहा DF मैट्रिक अंडरस्कोर DF में टाइम, डाइट और प्रिडिक्शन, ये 3 कॉलम्स या सीरीज है। अब यहाँ पे मैंने क्या काम किया, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स मैंने ड्रॉप करवाए हैं, ठीक है। और फिर मैंने कहा .LOC लेमडा DF कॉलन DF डाइट इज इक्वल डबल इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे इस इक्वेशन को उल्टा उल्टे साइड से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि तुम इस तरह करो कि DF डॉट, अब यहाँ पे आप पहले ये सोचें कि हमारे जो पूरा डेटा फ्रेम है, मतलब यहाँ पे जिसमें टाइम, डाइट और प्रिडिक्शन के 3 सीरीजेस या 3 कॉलम्स पड़े हुए, ठीक है, इसमें से कौन सी वाली डाइट एक्सेस होगी इस वक्त, मुझे टेलीग्राम पे बताएं कौन सी वाली एक्सेस होगी। आप देखें कौन सी एक्सेस होगी, क्योंकि मैंने आखिर में दिए ये लॉक फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं कह रहा हूँ कि क्या करो, लॉक में यहाँ पे भी देखिए लेमडा फंक्शन को यूज किया, मैं कह रहा हूँ लेमडा ये लो DF कॉलन और साथ
वो दो जहां पर डीएफ की डाइट इज डबल इक्वल टू आई हो। आई में इस वक्त क्या पड़ा है? आई में इस वक्त 1 पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वक्त हमारे डेटा फ्रेम में कौन सी, पीएलटीआर में कौन सी चीजें एक्सेस होंगी, इसके थ्रू कौन सी चीजें पीएलटीआर में जाएंगी, वो वाला सिर्फ वैल्यू रोज जाएंगी जिसमें हमारे पास डाइट इक्वल्स टू 1 है, यानी डाइट टाइप 1 के जितने रिकॉर्ड्स हैं वो इसमें जाएंगे, लेकिन सारे नहीं जाएंगे। डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स क्या करेगा, ये डुप्लीकेट्स को ड्रॉप करेगा 1 में से और बगैर डुप्लीकेट के जो कुछ है वो पीएलटीआर में डाल देगा, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कि पीएलटीआर दिखता किस तरह, उसको मैंने हेड कर दिया, उसकी मैंने शेप कर दिए, ठीक है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि जी प्लॉट कर दो मेरे लिए किसको, पीएलटीआर में मतलब टाइम को और यहाँ पे प्रिडिक्शन को, ठीक है। मेरे लिए किस बेस पे करो, टाइम को और प्रिडिक्शन को। ये बेसिकली पीएलटी डॉट प्लॉट, ये मैट प्लॉट लिप का, इसलिए इसकी कमांड थोड़ी चेंज आ रही है। और फिर मैंने कहा कि यहाँ पे क्या करो, कलर करो आर बी जी वाई और आई को, ठीक है। यानी कि इस, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस अब आप लोगों ने बेसिकली स्ट्रिंग के बेसिक ऑपरेशंस तो पढ़े ही होंगे ना, इसमें ये मैंने यहाँ पे आप बस इसको फिलहाल, अगर इस पे इतनी नहीं भी समझ आ रही, इस फिलहाल इतना समझे, यहाँ पे लिखा है आर बी जी वाई, रेड ब्लू ग्रीन येलो, ठीक है, ये चार है ना। और इस वक्त आई में क्या पड़ा हुआ है, 1। तो सबसे पहला कलर कौन सा है, रेड, तो सबसे पहली लाइन कौन सी लगेगी, आर की, रेड की, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको भी आई कर देता हूँ, ठीक हो गया। और फिर मैं इसको, फिर मैंने कहा कि पीएलटी डॉट टाइटल लीनियर लीनियर मॉडल टाइटल, इसको क्या दो, लीनियर मॉडल का मीन एब्सोल्यूट एरर की है मैट्रिक जो हमने यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। और उसको 2 स्पेसेस तक, यानी डेसिमल के बाद 2 नंबर, मतलब अगर किसी का 99.99997 आ रहा है तो 99.997 ना, सिर्फ 99.99, यानी 2 स्पेसेस तक जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका हम प्लॉट देखते हैं, यहाँ पे क्या ये चीज इस तरह बनी है। पहले इसने एक एक रेड की लाइन इस वक्त लग की है, ठीक है। अब हम दोबारा जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो हमें सारा समझ आया हुआ है। अब हम इसी पे जाते हैं, अब 1 की बारी खत्म हो गई, अब 2 की बारी शुरू हो गई। तो यहाँ पे कौन सी डाइट एक्सेस करेगा, सिर्फ वो वाली डाइट पूरे डेटा, मतलब मैट्रिक डीएफ के पूरे डेटा में से वो वाली डाइट जिसमें सेकेंड डाइट टाइप है वो वाली रोज एक्सेस करेगा, लेकिन सारी नहीं, उसमें से पहले डुप्लीकेट्स को ड्रॉप कराएगा, फिर उसके बाद ड्रॉप करने के बाद जो बच जाएगा वो फिर इसमें डालेगा। फिर हमारे पास क्या, इसका हेड और मैंने शेप, ये मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन एंड पे। फिर क्या करे, प्लॉट बना रहे टाइम का और प्रिडिक्शन का। और अब रेड कलर की बारी हो गई है, अब किसकी बारी है, ब्लू की, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टाइटल पे दिया कि मैट्रिक, इसका साथ में ये भी, अब यहाँ ये तो खैर इस लूप से बाहर है, एक ही मरतबा जो कैलकुलेट हुआ है ये वही शो करेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ब्लू लाइन बन गई है, हमने एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ था, जरा आप पीएलटी पे जाएं, पीएलटी डॉट प्लॉट में हमने एक्स एक्सिस पे टाइम दिया था और वाई एक्सिस पे हमने क्या दी थी, प्रिडिक्शंस। तो अब देखें यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस पे टाइम आ रहा है और वाई एक्सिस पे प्रिडिक्शन आ रही है, तो ब्लू की ये प्रिडिक्शन आ रही है, लाइन आ रही है, ठीक है। और इसका मीन एब्सोल्यूट एरर 25 था, ये तो वही रहेगा जो एक्चुअल प्रिडिक्शन में फर्क जो है वो 25 का मीन एब्सोल्यूट। फिर इसी तरह दूसरे तीसरे की बारी में क्या होगा कि तीसरी डाइट सेलेक्ट करो, सिर्फ तीसरी डाइट सेलेक्ट करो, उसमें से डुप्लीकेट ड्रॉप करो, वो पीएलटीआर में डाल दो, और फिर सिंपली क्या करो कि जो टाइम है और जो प्रिडिक्शन है, यानी एक्स एक्सिस पे टाइम रखो और वाई एक्सिस पे प्रिडिक्शंस रखो, और यानी विद टाइम कितना वेट बढ़ा है ये बताओ, और उसको कलर दो कौन सा, अब रेड ब्लू की बार, अब ग्रीन की बारी है, ठीक है। और वही टाइटल वही दो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन का ही आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास येलो का भी इसी तरह आया। तो ये हमारे पास लूप जो है इस तरीके। अब हम जाते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या आया, मुझे आप बताएं हमारे पास लास्ट लूप कौन सा चला है, चौथे वाला, मतलब लास्ट लूप के जो आखिरी वो बारी थी किस डाइट टाइप की थी, चौथे की ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास प्रिंट कौन से वाला हुआ होगा, चौथे वाला हुआ होगा। तो अब यहाँ पर जाते हैं ना, 1 मिनट, यहाँ पर जिस वक्त ये स्टार्ट हो रहा था, यहाँ तक हमने, यहाँ भी जिस वक्त स्टार्ट हो रहा था पहली बारी थी डाइट 1 की, ठीक है। डाइट 1 के जब डुप्लीकेट्स ड्रॉप किए तो हमारे पास ये रह गया। फिर डाइट 2 की बारी की हो रही थी कि असल में जो आउटपुट होता है इसकी आपको पता है एक लिमिट होती है, एक लिमिट से ज्यादा ये नहीं दिखाता। फिर ये आखिर में देखें हमारे पास कौन सी डाइट, डाइट का ये कॉलम है, और देखिए आखिरी हमारे पास कौन सी आई है,
चौथे की, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से चल रहा है, ये हमारे पास बेसिकली जो ये जो चार लाइनें बनी है, ये हर एक डाइट टाइप को लूप के थ्रू एक्सेस करके उस पर प्लॉट बनाया, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर, तो ये इस तरीके से चल रहा है। होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि हम हर क्या कहते हैं, हर डे, डे, मतलब हर कैटेगरी के लिए या हर उसके लिए, मतलब हमारे डाइट टाइप के लिए किस तरीके से अलग अलग लाइन बना सकते हैं। तो ये बड़ी यूजफुल और हेल्पफुल चीज है। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखते हैं कि साइकिट लेगो ये काम किस तरीके से करता है, तो वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।